चैत्र नवरात्रे 2023 प्रारंभ हो रहे हैं 22 तारीख से। इस दौरान आप इन पांच पौधों में से कोई भी एक पौधा अपने घर आंगन में लगा देंगे तो पूरे साल आपके घर पैसा ही पैसा बरसेगा, पूरे साल पैसों का ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपके घर में, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कौन सा है ऐसा पौधा जो आपको लगाना है, माता रानी को उसका पुष्प अर्पित करना है, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करना प्रारंभ करते हैं और जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। अगर आप कनक चंपा का पेड़ अपने घर में लगाते हैं और कनक चंपा के पुष्प से माता दुर्गा की पूजा करते हैं, माता भगवती की पूजा करते हैं, तो वे अति प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर करती हैं। तो भगवती को यानी दुर्गा माता को आपको अर्पित करना है कनक चंपा का पुष्प। ये आसानी से नर्सरी में प्लांट मिलता है, इसको अपने घर में लगाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु की बात करें तो कनक चंपा का वृक्ष घर की सीमा के अंदर होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसको ईशान दिशा में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसको साउथ वेस्ट दिशा या वेस्ट दिशा में आप लगाते हैं तो आपके घर में अनेक शुभ काम होने लगते हैं, मांगलिक काम आपके घर में होने लगते हैं। तो इसको अवश्य ही लगाइए और लाभ प्राप्त करिए। किसी भी शुभ दिन अगर आप नवरात्रों में कनक चंपा का वृक्ष से ज़मीन पर गिरा हुआ पुष्प प्राप्त कर लीजिए और ये खंडित नहीं होना चाहिए, इसको घर ले आइए अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ है, और घर में लगा हुआ है तो उस पुष्प को प्राप्त कर लीजिए और धूप दीप करें और घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता है और आपको लाभ ही लाभ होने लगता है। तो कनक चंपा का वृक्ष आप अपने घर में अवश्य ही लगाइए नवरात्रों में। माता दुर्गा के अनेक स्वरूप हैं, उनमें ही एक स्वरूप है काली का। माता काली की पूजा भी नवरात्रों में की जाती है, और अगर आप गोरख इमली नामक पुष्पों की माता को अर्पित करते हैं काली माता को, जो व्यक्ति गोरख इमली के पुष्पों को अर्पित करता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। इसके साथ ही आपको श्री काली स्तवह का पाठ करना चाहिए, इससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। ये काम करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रु आपसे पराजय स्वीकार कर लेता है, धन लाभ आपका बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है या आपसे गुस्सा है वो फौरन मन जाता है। गोरख इमली का एक नाम सर्पदंडी भी है, हिंदी में इसको गोरख इमली बोला जाता है और संस्कृत में सर्पदंडी के नाम से फेमस है, गुजराती में इसको बुखा कहते हैं, बंगला में गधा गाज कहते हैं, तो अलग अलग भाषाओं में इसका नाम है। आपको ये मालूम ही होगा ये भारतवर्ष का बहुत विशाल वृक्ष है, बेसिकली अफ्रीका का वृक्ष समझा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ये भारतवर्ष में भी पाया जाता है। तो ये विशाल वृक्ष होता है और इसके पुष्प बहुत फ़ायदा करते हैं। हमने एक फ़ायदा आपको बताया, माता काली को अर्पित करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो गोरख इमली का पुष्प अगर आपको मिल जाए नर्सरी में अवेलेबल हो प्लांट, तो आपको ला के लगाना चाहिए नवरात्रों में। वैसे वास्तु की बात करें तो ये वृक्ष घर की सीमा के बाहर लगाना शुभ होता है, किसी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट दिशा में ही इसको लगाना चाहिए, इस दिशा में ये अति शुभ होता है। तीसरा पुष्प है श्वेतार्क। श्वेतार्क का प्लांट यानी सफ़ेद आंकड़े का पेड़ आप अपने घर में लगा सकते हैं। माता भगवती को यानी माता दुर्गा को इसके पुष्प अर्पित करे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। जिस काम में भी आप
माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और वो काम करने की माता से रिक्वेस्ट करते हैं श्वेतार के पुष्प अर्पित करते समय, तो आपको बहुत लाभ होता है। तो ये श्वेतार का पौधा नर्सरी में मिल जाता है और ये सफ़ेद आंकड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अपने घर के बाहर लगाएं, घर की सीमा में होने से सुख शांति होती है, लेकिन घर की सीमा में अंदर होना ये शुभ है या नहीं इसके बारे में अपवाद है। कुछ लोग शुभ मानते हैं, कुछ लोग अशुभ मानते हैं। तो आप जैसी आपकी अंतरात्मा अलाउ करें वो करें, लेकिन हम तो आपको यही कहेंगे कि इसको घर के बाहर लगाएं तो तांत्रिक क्रियाओं से भी आपकी रक्षा होती है। अगला पौधा है कांस का पुष्प। इसको संस्कृत में कांस्य कहा जाता है, हिंदी में ये कांस के पुष्प के नाम से फेमस है, गुजराती में इसको कंसाडो बोला जाता है, मराठी में कामिस नाम है, बंगला में कांश नाम है। तो आपको ये प्लांट लाना चाहिए और इससे देवी पूजन किया जाए तो बहुत आपको फ़ायदा मिलता है। वास्तु की अगर बात करें तो ये पौधा आसानी से नहीं लगता है, लेकिन लग जाए तो बहुत शुभ होता है। तो इसको आपको लगाना चाहिए, इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है और घर में आरोग्य बना रहता है। शक्ति माँ की पूजा की जाती है, माँ की शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है और उत्तर भारत में हल छठ में इसकी पूजा की जाती है और लाभ होता है, नज़र अला बला का प्रकोप नहीं होता है। अगला जो पेड़ है वो है पारिभद्र का पेड़। पारिभद्र का पेड़ अगर आप अपने घर में लगाते हैं और माता के शक्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको अर्पित करते हैं और अष्टोत्तर शतनाम स्रोत का पाठ करते हैं 3 बार, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आपके जीवन में सुख शांति और आरोग्य बना रहता है। अष्टोत्तर शतनाम स्रोत आपको YouTube पर मिल जाएगा और ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और शारीरिक बल भी बढ़ाता है। वैसे पारिभद्र का वृक्ष मकान के अंदर शुभ नहीं होता है, इसका रोपण आप बाहर कर सकते हैं, ये बाहर शुभ होता है और घर की ईशान दिशा को छोड़कर अन्य दिशा में इसको लगाते हैं तो उसके पास निर्गुंडी का पौधा आपको लगाना चाहिए, तब आपको लाभ होने लगता है, लेकिन हम आपको घर के बाहर लगाने की ही सलाह देंगे। घर के बाहर ये शुभ होता है और घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता। अगला पौधा है वन केली का पुष्प। वन केली का पुष्प आपको आसानी से मिल जाएगा प्लांट नर्सरी में और इसको माता भगवती को इसके पुष्प अर्पित करते हैं तो माँ की कृपा से आपको धन धान्य और निरोगी काया प्राप्त होती है, आरोग्य आपको प्राप्त होता है और हर जगह सम्मान आपको मिलता है। पीले कनेर के पुष्प भी अपने कल्याण की कामना करते हुए माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। वन केली के पीले पुष्प भी आप अर्पित करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो आज हमने 5 से ज़्यादा प्लांट के बारे में आपको जानकारी दी। इनमें से किसी भी प्लांट को आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो घर की सीमा से बाहर लगाने के लिए हमने बताया है उसको घर की सीमा के बाहर लगाएं और जो वृक्ष घर की सीमा के अंदर हमने लगाने को बताया है तो उसको आपको लगाना चाहिए। वैसे माता दुर्गा को अगर शत्रु बाधा आपको सता रही है तो उसके निवारण के लिए एक गुड़हल का पुष्प नित्य माता दुर्गा को नवरात्रों में अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। गुड़हल का पौधा आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं लेकिन दक्षिण दिशा में इसको लगाना बहुत शुभ होता है, आग्नेय दिशा शुभ होती है तो इसको आग्नेय दिशा में आप लगा सकते हैं और माता दुर्गा को नित्य एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करिए, इससे शत्रु बाधा समाप्त होती है। इसके साथ ही साथ आप सुबह स्नान करके नवरात्रों में माता रानी को पुष्प अर्पित करने के बाद में श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है, माता रानी की कृपा आपके घर में पूरे वर्ष भर बनी रहती है और आपको धन का अभाव कभी नहीं झेलना पड़ता।
लाल कमल भी माता रानी को अर्पित किया जाता है और माता भगवती को एक लाल कमल का पुष्प नित्य अर्पित करते हैं नवरात्रों में, और धूप दीप लगाते हैं और माता भगवती के स्तोत्र का आप पठन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको शत्रु बाधा नहीं सताती है, आपका दबदबा हर जगह बढ़ता है। और इस स्तोत्र का आप जाप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फायदा होता है। ये स्तोत्र सुन लीजिए। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पति वशीकरण आप करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम मंत्र है और इससे आपको फायदा मिलता है। पूरा मंत्र सुन लीजिए, तो दो लाइन ही आपको पढ़नी है, इससे ही पति वशीकरण हो जाता है। पति के अंदर आपके लिए कोमल भावनाओं का उद्गम हो जाता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है तो इसको आपको अवश्य जपना चाहिए। आगे मंत्र इस प्रकार है। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिम शेष जंतोः स्वस्तेः स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हरिणी का त्वदन्या सर्वोपकारक णाय सदा चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणाग्यर्थ दीनार्थ दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्रि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भये भय त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानं न विपन्नराणं त्वामाश्रिता हरय श्रेया यंता यंताम प्रयांति सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य स्या खिलेश्वरी एव ते एवमेव त्वया कार्यम कार्यम मस्य द्वैरी विनाशनम। तो ये बहुत प्रभावशाली जाप है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। हमने 5 से अधिक पेड़ों के बारे में आपको जानकारी दी, तो आपको इनमें से कोई भी प्लांट अवेलेबल है नर्सरी में उसको आपके घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। हमने जैसा जैसा आपको बताया है ऐसा ही